तो गाइस ये फ्लाई मुमलिकत का बीच, तो आप देख सकते हैं इसको हम फ्लाई, जो लोग हमें सऊदी अरेबिया के बाहर से देख रहे हैं वो ये मत समझें कि सऊदी अरेबिया सारा डेजर्ट है। सऊदी अरेबिया के अंदर इस तरह के बहुत से बोटिंग करने के लिए यहाँ पे सारे हट्स बने हुए हैं। सामने आपको अरेबियन सी नजर आ रहा है, गाइस। होपफुली आप लोग सब खैर खरीत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ खैर वफियत के साथ भी होंगे। आज 29 अप्रैल का दिन है सऊदी अरेबिया के अंदर, और आप देखेंगे 29 अप्रैल को यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है। आज जुमातुल विदा का दिन भी है और 28वां रोज़ा है, तो आप देखें कितना अच्छा यहाँ पर सीन है, बारिश का पूरा सीन बना हुआ है। जब भी यहाँ पर बारिश का सीन बनता है, यहाँ वैसे मौसम अच्छा होता है, तो लोग मोस्टली बीचेज़ का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट का जरिया ये बीचेज़ और कॉर्निश ही हैं। तो आए ज़रा देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। जैसा कि आपने देख लिया कि आज 29 अप्रैल है और 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है सऊदी अरेबिया के अंदर। बाहर जो है वो बारिश का सीन है, इंतहाई ज़्यादा अभी बारिश होकर हटी है। तो आप ये देखें, इस चीज़ का नाम ग्लोबल वार्मिंग है। इसका मतलब ये है कि जो इलाके गर्म हैं वो ठंडे हो रहे हैं और जो ठंडे इलाके हैं वो गर्म हो रहे हैं। तो बाहर जो है वो बारिश का सीन है। अभी हम चलते हैं, वॉक करेंगे, थोड़ी सी गपशप करते हैं, आए मेरे साथ। सिटिंग करने के लिए यहाँ पे सारे हट्स बने हुए हैं। सामने आपको अरेबियन सी नज़र आ रहा है, उसकी बैक साइड पे लिविंग कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं आपको।
गाइस ये फ्लाई मुमलिकत का बीच, तो आप देख सकते हैं इसको हम फ्लाई मुमलिकत कहते हैं। ये रिसेंटली जुबेल के अंदर रॉयल क्विशन में ओपन किया गया ये एरिया। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, थर्सडे और फ्राइडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये एक पूरा फ्लाई मुमलिकत का कॉन्सेप्ट है जिसको हम पाकिस्तान में सोचते हैं, जो अपने अवाम का ख्याल रखती है। आए आपको दिखाता हूँ, आगे चलें, चलें आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखें पूल लगे हुए हैं, इधर बैठने के लिए रेस्ट एरियाज बनाए हुए हैं। तो वो देखें सामने वुड का ब्रिज है, मैं आपको पास से जाके दिखाता हूँ। यार यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया में काम के साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम निकाला करें। अगर आप दिन में 10 से 20 मिनट आप वॉक कर लें या रनिंग कर लें, दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड यू विल रिमेन फिट एंड स्मार्ट। तो अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम निकाला करें, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ है मोस्टली मशीनी लाइफ है, कंटिन्यूस वर्क है। इसलिए अपनी लाइफ के लिए टाइम निकालें, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालें और नेचर को टच किया करें, नेचर के पास जाया करें, नेचर को फील किया करें, एंड यू विल फील रिफ्रेश। जो लोग हमें सऊदी अरेबिया के बाहर से देख रहे हैं, वो ये मत समझें कि सऊदी अरेबिया सारा डेजर्ट है। सऊदी अरेबिया के अंदर इस तरह के बहुत से ग्रीन एरियाज़ हैं, बहुत से ग्रीन पार्क हैं, जिसमें से एक ये जुबेर रॉयल कमीशन भी है। तो यहाँ पे ये इलाका आप देख के समझ गए होंगे कि सऊदी अरेबिया भी कितना ग्रीन है। आज तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अप्रैल का महीना और सऊदी अरब के अंदर बारिश हो रही है। मोस्टली यहाँ पे दिसंबर के अंदर बारिशें होती हैं, तो इस बार जो बारिशें हैं वो अप्रैल तक आ गई हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये वेदर सारा चेंज हो रहा है, इसका पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। जहाँ पे बारिशें नहीं थी पहले, वहाँ पे बारिशें हो रही हैं। जहाँ पे ज़्यादा थी वहाँ पे कम हो रही हैं, जहाँ पे कम थी वहाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो ये सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। अपनी इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, ठीक है। तो यही है यार, बाकी आप देख सकते हैं ये सारा कितना खूबसूरत है, प्यारा है। होपफुली आपने आज का व्लॉग लाइक किया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, प्लीज़ थम्स अप।